उनको जाने का अपनी याद में जाऊंगी। यस ओके वेट अ कुछ इज इट एनी यू नो व्हाट आई मीन हां डज नॉट अदर लाइक मी मॉम एंड नथिंग नथिंग मैंने सर पे सबसे पहले बहुत बहुत कॉन्ग्रेचुलेशन आपको, आप जो एक नई नई आइडियाज़ लेके आती है और अभी हालांकि हमने अभी सुना है आप यूएस का आइडिया इंडिया में ला रही है, तो आप बता दीजिए खुद ही कि आप बेसिकली किस चीज़ पे हम बात करने वाले हैं। हम बात कर रहे हैं टू रीसेल द आइटम्स। नाउ अमेरिका और लंदन में ये बहुत कॉमन है कि अगर हम लग्जरी आइटम्स खरीदते हैं लाइक लुई विटों एंड प्राडा एंड जिमी चूज एंड ऑल, एंड हम लोग शायद एक बार यूज़ करेंगे, दो बार यूज़ करेंगे, चलो 10 बार यूज़ करेंगे, लेकिन उसका ख्याल रखेंगे, वी कीप इट नाइसली। एंड देन जब भी न्यू प्रोडक्ट आता है और न्यू ट्रेंड आता है, देन वी अगेन इन्वेस्ट मनी इन दैट, तो पहले का वो पड़ा रहता है। सो मेरे पास भी लाइक फॉर 6-7 years इट्स केप्ट एंड आई नेवर यूज्ड इट। सो इट्स अ ट्रेंड लाइक इन द वेस्ट वेयर दे कॉल पीपल, दे इन्वाइट देयर रेजिडेंट एंड इट्स अ वेरी प्राइवेट अफेयर and they see the products, maybe they exchange each other's products as well. So pre-owned luxury items, you buy it in a better price, so you're actually saving money and you're consciously being responsible as a customer for sustainability. Rohit, as a fashion designer, how you like this idea of Zara, because she's taking the London culture into India? I think it's very beautiful, it's a very very good thought. ऑफ कोर्स हम लोग बहुत बहुत आजकल सोशल मीडिया की वजह से हम एक बार कपड़ा पहनते हैं फिर हम दोबारा नहीं पहन सकते, एक बार ज्वेलरी पहनते हैं बहुत जल्दी हम ट्रेंड करने पड़ लगते हैं, जैसे कि यू नो क्योंकि मीडिया की आँखें हमारे ऊपर होती हैं। तो ऑब्वियसली ये उन लोगों के लिए है जिनको डिज़ाइनर्स कपड़े चाहिए जो बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव नहीं होते हैं। तो अगर हम ऐसा इस तरह का अगर हम लोग प्रोग्राम करते हैं तो ऑब्वियसली वी आर रीचिंग द मासेस, एंड तोता भी एग्री कर रहा है मेरी बात से। So I think it's a very beautiful thought, and of course Zara is very creative. वे नए नए ideas लाती रहती हैं, तो फ्रेंड्स को तंग करती रहती हूँ। तो मैं तो सपोर्ट करने के लिए आया हूँ, ये देखिए मैंने खरीदा है, ये कितना ब्यूटीफुल है। I bought two. And you can't even imagine the price I paid for it. So I think it's beautiful. I just feel मेरे लिए friendship बहुत मायने रखता है, और जब हम friends बनाते हैं तब हम ideas share करते हैं और यू नो हमारे स्पेशल ओकेजन्स शेयर करते हैं, और ऐसा हो भी जाता है कि फ्रेंडशिप के दौरान हम एक फैमिली के जैसे हो जाते हैं। अब फैमिलीज़ में यूजुअली हम एक दूसरे को गिफ्ट करते हैं, लेकिन यहाँ पे सपोज़ आई लाइक समथिंग ऑफ माय फ्रेंड एंड वो यू नो लग्जरी आइटम है और मेरे पास उस वक्त उतना बजट नहीं है और मैं हिचकिचाऊँगी कि या यू नो उस मतलब बाउंड्री को मैं क्रॉस नहीं करना चाहूँगी। इतने सारे फ्रेंडशिप्स है भाई, ओके फाइन यू नो इसका पर्स मुझे अच्छा लगा ये या साड़ी अच्छी लगी या ज्वेलरी अच्छी लगी, और वो गराज सेल जैसे होता है अमेरिका में और मैंने वो पाया और मैंने ख़रीदा मेरे बजट में, तो आई थिंक फ्रेंडशिप बढ़ जाती है। आई थिंक उसमें यू नो इट्स लाइक यू बॉन्ड इवन मोर स्ट्रॉन्ग, और वो फ्रेंड को भी अच्छा लगता है कि ओ वाओ उसको मेरी साड़ी इतनी अच्छी लगी, वो मुझे सपोर्ट कर रही है। आई थिंक इट जस्ट चेंजेस द होल वेवलेंथ of the friendship, you know, और I mean obviously friendship में अगर आपकी friend कहेगी कि मुझे ये अच्छा लगता है तो आप दे भी दोगे, लेकिन I think this is adds one more layer of you know closeness. जैसे absolutely मैम, जैसे आपने कहा सारा, सबसे important ये चीज़ होता है लग्जरी चीज़ को हम खरीद ही रहते हैं बिकॉज मतलब एक ब्रांड होता है तो हम खरीदते हैं, बट सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ होता है पॉकेट फ्रेंडली होना, तो ये चीज़ ज़्यादा मायने करता है चाहे वो एक्टर हो या नॉर्मल पीपल हो। तो आई थिंक ये बात लोग मेंशन नहीं करना चाहते बिकॉज वो लोग हिचकिचाते हैं, जैसे कि यू नो बहुत साल पहले हम लोग पीरियड्स के बारे में बात नहीं करते थे, हम लोग सेक्स के बारे में बात नहीं करते थे, आजकल ये नया ट्रेंड बन गया है कि बजट फ्रेंडली के बारे में हम बात नहीं करेंगे और दोबारा हम ड्रेस नहीं पहनेंगे। क्यों? हमारे घर में वॉशिंग मशीन है और लॉन्ड्री भी है जिसका यूज़ हम लोग कर सकते हैं, और अगर मुझे ये साड़ी अच्छी लगी और मैंने खरीदी है तो ऑब्वियसली जाहिर सी बात है कि मैं इसे रिपीट तो करूँगी ही ना, मैंने ही खरीदा है, मैंने अपने पैसे कमाया है। सो आई थिंक बजट फ्रेंडली इज़ अ ब्यूटिफुल वर्ड एंड यू नो एवरीवन शुड नो हाउ टू हैंडल देयर बजट। एंड एक्चुअली यू नो व्हाट, स्पेंडिंग मनी हैज़ बिकम अ हैबिट ऑफ इडियट्स, टू बी वेरी ऑनेस्ट। सेविंग मनी is actually intelligent. Exactly. So if you save money,
दैट्स मच बेटर देन अर्निंग मोर मनी एज वेल. तुम कमाते रहो, तुम्हारा खर्चा उससे ज़्यादा बढ़ता रहता है. सो इन दैट साइकिल, यू नो, जस्ट टू कीप अप टू द ट्रेंड, टू कीप अप टू द सोशल मीडिया, टू ऑलवेज हैव दिस pretentious living, ego and lifestyle living, it's killing people. So why not for some time just get real and, you know, just try and practice the reality and try and practice your mindset and your home. Rohit, what do you think that ki budget friendly cheez se bhi hum apne fashion ko running kar sakte, trend kar sakte, na ki koi branded cheez leke hi hum pehne to kaafi khoobsurat lagte. अब इसका तो जवाब मैं नहीं दे पाऊंगा कि मैं खुद ही एक ब्रांड हूं इंडिया का. बट डेफिनेटली मैं थोड़ा सा डिफरेंट हूं. मेरे को जो चीज़ अच्छी लगती है तो मैं प्राइस टैग नहीं देखता हूं. मेरे को सूट करना चाहिए, मेरे से बात करना चाहिए, आई शुड फील द प्रोडक्ट. तो मैं प्राइस टैग नहीं चेक करता हूं, चाहे वो कितना भी एक्सपेंसिव हो मैं खरीद लेता हूं. तो ये लोग मेरे को दोनों बहुत डांटती हैं. या मैं बिल्कुल वैसे नहीं हूं. एंड आई थिंक फ्रेंड्स शुड हेल्प ईच अदर, वी शुड हेल्प हिम नॉट टू बाय. मैं हूं ऐसे लेकिन इससे बेटर हूं. मैं वर्स्ट हूं इस मामले में. सारा और एक चीज हम नोटिस कर रहे हैं, चारों तरफ देख रहे हैं तो स्केचेस नजर आ रहे हैं. तो उसके बारे में बताइए कि कब से आपका ये इंटरेस्ट आने लगा और काफी खूबसूरत आपने स्केचेस भी बनाए हैं, तो इसके भी थोड़ी रोशनी. ये मेरे को, आई एम सॉरी सारा, आई एम कटिंग यू, मेरे को नहीं पता सारा पेंटिंग भी बहुत अच्छी बनाती है. यस, आई वाज नॉट नोइंग. आई न्यू इट, बट नॉट नोइंग, यू नो, इवन माय दैट मेन पेंटिंग, यस, इट्स ब्यूटीफुल. इन फैक्ट, यू नो, मेरा घर अभी रीडेवलपमेंट में जा रहा है, तो आई एम गोइंग टू गेट अ बिगर हाउस एंड आई एम गोइंग टू कैच होल्ड ऑफ अ. So I'm going to buy it, but not at my price. No, now charge him. Yeah. Oh, wait till he gets the house. I love painting. Because my house is small, I don't have, but it's beautiful. So painting, art, I always loved. You know, art is something you have it in you already when you're born. But I realized that I'm an artist actually in lockdown. So bahut time tak maine ye apna hobby डिस्कवर नहीं किया था या रीडिस्कवर नहीं किया था. एंड देन आई जस्ट थॉट, लेट मी जस्ट, फॉर माय मेन वॉल मुझे कुछ मिल ही नहीं रहा था. फॉर इयर्स आई बीन लुकिंग फॉर इट. तो मैंने सोचा, यू नो व्हाट, लेट मी जस्ट डू इट माय सेल्फ. एंड देन आई स्टार्टेड पेंटिंग एंड बिलीव इट और नॉट, इन लॉकडाउन दिस एंटायर प्लेस लुक्ड लाइक एन आर्ट गैलरी. एंड ऑल नाइट मी एंड माई सिस्टर विद द म्यूजिक एंड वी जस्ट पेंटिंग एंड स्प्लर्जिंग एंड जस्ट नॉन स्टॉप पेंटिंग. सो मच सो that now I have to sell these paintings because my husband is not letting me paint any new canvas. बात करते हैं, न्यू ईयर आ रहा है तो कुछ ऐसे प्लान्स हो आपके जो आगे, न्यू ईयर से पहले तो आप एक आइडिया लेके आ गई हैं, और कुछ ऐसे आइडियाज जो न्यू ईयर के बाद हमें नजर आएंगे. प्लान्स फॉर न्यू ईयर इज जस्ट टू एक्चुअली स्प्रेड द वर्ड एंड स्प्रेड दिस एक्शन टू टेक केयर ऑफ योरसेल्फ. एवरीबडी हैज द राइट to think about themselves. It's not being selfish, especially like actors and influencers where we have a lot of roles and responsibility, we forget ourselves. So all I'm going to practice as well, and I want people to practice, I want ladies to practice most of all, not to forget yourself. Ye new year hai, 2024 is for you and nobody can take that away from you. Ma'am, what do you want to say? As we know, aap TV se hai, toh kuch na kuch toh aapko humne dekha hi hai karte hue, toh kuch aise plans ho jo hum TV pe dekhe ya aajkal social media OTT platforms itne sare aa gaye ki opportunities bhi kafi aa gayi hai, toh kya karna chahoge? Well, har saal naya hota hai, lekin wo insaan to wo hi hai. मैं तो नहीं, यू नो, न्यू होने वाली हूँ. बट येस, फॉर दिस न्यू ईयर 2024 आई एम प्लानिंग, strategizing and doing things in a very systematic way. वो मेरे लिए एक नयापन होगा. मैं इस साल में बहुत कुछ नयापन लेकर आने वाली हूँ. ऑफकोर्स मेरी सीरियल तो चल ही रही है, और बीच में मेरी एक सर्जरी हुई थी जिसके लिए मैंने थोड़ा सा ब्रेक लिया था, बट नाउ आई एम बैक विद अ बैंग. सो सीरियल्स, OTT है, मेरे दो शोज हो गए हैं, दैट्स गोन कम आउट, दैट्स समथिंग न्यू. ऑफकोर्स आई एम स्टार्टिंग समथिंग न्यू बिकॉज मैं अभी लाइफ कोच हो गई हूँ. सो उस फील्ड में भी कुछ नया करने वाली हूँ. आई थिंक 2024 मेरे लिए गट फीलिंग ऐसा हो रहा है कि ये मेरा साल है. हमेशा लोग कहते हैं कि ओ माई गॉड ये साल जितना जल्दी ख़त्म हो जाए, लेकिन 2023 ऑल्सो, वो कहते ना कि एक बीज मैंने बोया है 2023 में, और अभी 2024 में वो उगने लगेगा, उसमें फल आएंगे, फूल आएंगे, एंड आई एम जस्ट सो सुपर डुपर एक्साइटेड अबाउट इट. 2024, any
फैशन धमाका ऑफ कोर्स 2023 मेरे लिए बहुत अच्छा साल गया है एंड मैंने न्यूयॉर्क फैशन वीक में पार्ट लिया और इंडिया को बहुत प्राउड किया. इट वाज अ वेरी गुड ईयर फॉर मी. 2024 में 7 महीने इंडिया में नहीं हूँ. मेरा पहला शो हो रहा है अभी फरवरी में विच आई एम डूइंग फॉल फैंटेसी में कर रहा हूँ और फिर मैंने बॉम्बे टाइम्स का ग्रैंड फिनाले बैक कर लिया है. आई एम गोइंग टू लॉन्च इंद्रधनुष कलेक्शन एंड उसके बाद आई विल टेक ऑफ अब्रॉड एंड मैं 5 महीने वहाँ रहूँगा. ऑब्वियसली नेक्स्ट ईयर तक मेरा स्टोर भी हो जाएगा एंड यू विल सी लॉट ऑफ रोहित वर्मा. एंड बाय द वे 2024 का कलर है पीच कलर. पीच कलर इज इज द कलर फॉर 2024. सो यू विल सी लॉट ऑफ पीच बट यू नो आई एम लिटिल अपोजिट टू अदर्स. आई विल बी लॉन्चिंग न्यू कलर पैलेट, new silver, new fun, new Rohit Verma, new fashion. I will live my life the way I will live. Dramatic role. Yeah. Yeah. Happy New Year. So, ek saath aap sab Happy New Year. Of course. Happy New Year! Thank you. Thank you.